भारत का एक ऐसा शहर जहां देश का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां विष्णु जी के तीसरे अवतार को एक वराह की मूर्ति में दर्शाया गया है। इस शहर में एक ऐसी झील है जहां डुबकी लगाने मात्र से स्किन से जुड़े हुए हर रोग छू मंतर हो जाते हैं। इस शहर को कई मुस्लिम शासकों ने तबाह किया, लेकिन एक मुस्लिम शासक ने शहर को विकास की ओर बढ़ाया। लेकिन कौन था ये? यहां का वो कौन सा शासक था जिसने शिव जी के मंदिर को तोड़वा कर मस्जिद का निर्माण करवाया? लेकिन फिर भी यहां 500 मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इस शहर का उल्लेख रामायण में भी हुआ है। यहाँ का खाना और त्योहार हर किसी को अपना मुरीद बना लेता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के खूबसूरत शहर पुष्कर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। राजस्थान का सबसे धार्मिक श्रद्धालुओं की पसंद, रोज मंदिर में सुबह शाम बजती घंटियाँ, मंदिरों से महकती अगरबत्तियों की खुशबू का प्रतीक है पुष्कर शहर, जो कि हिंदुओं का फेमस तीर्थ स्थल माना जाता है। राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में मौजूद एक नगर है पुष्कर, जो अजमेर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा लेकिन खुशहाल शहर है और हर वक्त पर्यटकों और लोकल लोगों की चहल पहल से गुलजार रहता है। पुष्कर करीब 30,500 लोगों का घर है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, जहां 94% हिस्सेदारी हिंदुओं की है और उसके बाद 4% के लगभग मुस्लिम बसे हुए हैं। इसके बाद बची कुछ संख्या में दूसरे धर्म के लोग देखे जाते हैं। अगर पुष्कर को सनातनी शहर का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इस शहर का राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक अलग मुकाम है, क्योंकि यहां भारत का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसका दीदार करने का मौका सिर्फ और सिर्फ पुष्कर शहर ही देता है। वैसे सृष्टि के पालनहार ब्रह्मा जी ही हैं, लेकिन उनका घर ब्रह्मा मंदिर को माना जाता है। लेकिन पूरे भारत को छोड़कर सिर्फ ब्रह्मा जी का एक मंदिर पुष्कर में ही क्यों है? अक्सर ये सवाल लोगों के दिमाग में सनसनी फैलाए रखता है। पद्म पुराण के अनुसार देखिए, एक बार धरती पर एक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि ब्रह्मा जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ा। जब वो उसका वध कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी के हाथों से तीन जगहों पर कमल का पुष्प गिरा और जहाँ जहाँ तीन कमल गिरे वहाँ पर तीन झीलें बन गईं। इसके बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करने का फैसला किया और तब से ही पुष्कर ब्रह्मा जी का घर माना जाता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा उनकी पहली पत्नी सावित्री को भी समर्पित एक मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मा मंदिर के ठीक बगल एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए झील, आसपास के मंदिरों, रेत के टीलों का नजारा आपकी यात्रा को और यादगार बना देता है। आज ब्रह्मा जी की सिर्फ पुष्कर में ही पूजा की जाती है और इसकी वजह भी इनकी पत्नी सावित्री ही है। दरअसल जब ब्रह्मा जी ने दूसरा विवाह किया तो सावित्री ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की उसे पूरी सृष्टि में कहीं नहीं पूजा जाएगा। इसलिए आज पुष्कर के अलावा पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है। हर साल लाखों श्रद्धालु ब्रह्मा जी के दर्शन करने आते हैं और अपने सारे दुख कष्ट छोड़कर खुशियों से अपनी झोली भर कर जाते हैं। पुष्कर का रहन सहन हो या फिर यहाँ का शानदार मंदिर, बाजार हो या फिर इसका इतिहास, यहाँ पर कुछ न कुछ अलग ही देखने को मिलता है। आज जिस पुष्कर में सनातन की लहर दौड़ रही है, आप जानते हैं कभी पुष्कर में मंदिरों को ध्वस्त किया जाता था? जी हाँ, मंदिरों की इस नगरी ने बहुत से शासकों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। पुष्कर पर हिंदू, मुस्लिम, मराठाओं जैसे कई शासकों ने हुकूमत की, लेकिन आज पुष्कर पूरी तरह से आजाद है। पुष्कर का इतिहास और अस्तित्व काफी पुराना है। रामायण में भी पुष्कर का जिक्र किया गया। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण बालकांड में विश्वामित्र के यहाँ तप करने की बात कही गई है। इसके अलावा सांची स्तूप के लेखों में भी कई बौद्ध भिक्षुओं के दान का जिक्र किया गया है और ये बात दूसरी शताब्दी की है और ये बौद्ध भिक्षु पुष्कर में ही रहा करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्कर का अस्तित्व कितना पुराना है। पुष्कर के इतिहास का हर पन्ना हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अंबर, बूंदी, बीकानेर और जैसलमेर के राजपूत शासकों ने यहाँ मौजूद झील और आसपास के इलाके को ध्वस्त करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब ना हो सके और फिर जब मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल आया तो मंदिरों के हालत में कुछ सुधार देखा गया। अकबर ने पुष्कर में कई मंदिरों को न सिर्फ बेहतर बनाया बल्कि पुष्कर का भी उद्धार हुआ और आज पुष्कर तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता ही जा रहा है। और इसके पीछे की कुछ हद तक वजह है गुलाब। अब आप सोच रहे होंगे, भाई गुलाब कैसे? तो आपको बता दें, पुष्कर में और इसके आसपास के इलाकों में बड़े लेवल पर गुलाब की खेती की जाती है और ये फूल न सिर्फ पुष्कर को अपनी मीठी महक से सराबोर करते हैं बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट करने के बाद पुष्कर की इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। पुष्कर के गुलाब की महक पूरी दुनिया में बिखेरी जाती है। 510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पुष्कर तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों से घिरा प्रकृति की गोद में बसा पुष्कर शहर एक शक्तिपीठ का भी मालिक है। यहाँ मौजूद मणिबंध शक्तिपीठ मंदिर 51 शक्तिपीठों मंदिरों में से एक माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ माता सती की दो पहुँचियाँ यानी कलाई गिरी थी, जिसके बाद से यहाँ मंदिर बनवा दिया गया। पुष्कर में स्थित पुष्कर झील या पुष्कर सरावोर हिंदुओं की पवित्र झोली में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का निर्माण खुद ब्रह्मा जी ने करवाया था। यही वजह है झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। एक बार मुस्लिम आक्रांताओं ने कलांतर में पुष्कर झील को अशुद्ध करने के लिए एक गाय को काट कर फेंक दिया था, जिसके बाद झील को पवित्र करने के लिए कई जतन किए गए।
ऋषि मुनियों ने यज्ञ, हवन, प्रार्थना, तपस्या की और आज भी ये झील लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील में जो भी डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और अगर किसी को स्किन से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो वो भी इसमें स्नान करने से दूर हो जाती है। अगर आपने पुष्कर झील में स्नान कर लिया तो समझिए आपको सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन का पुण्य मिल गया। इतना महत्व है इस झील का। ये स्थान 52 घाट स्नानों और 500 से ज्यादा मंदिरों के बीच बसा हुआ है और यहाँ भारी संख्या में लोग झील में डुबकी लगाने आते हैं। झील के पवित्र पानी में स्नान करने के बाद आप जा सकते हैं पुष्कर के सबसे प्राचीन मंदिर वाराह मंदिर में, जो कि शहर के एकदम सेंटर में बना हुआ है। ये न सिर्फ शहर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है बल्कि ये पुष्कर के सबसे बड़े मंदिरों में से भी एक है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की प्रतिमा, जहाँ भगवान विष्णु का तीसरा अवतार एक वराह के रूप में दिखाया गया है और ये प्रतिमा वाकई बहुत अद्भुत है, इसलिए हजारों लोग भगवान विष्णु के इस अवतार को देखने जरूर जाते हैं। आपको बता दें इस मंदिर ने भी मुगल शासक औरंगजेब का जुल्म झेला है। 12वीं शताब्दी में बने मंदिर को औरंगजेब ने पुष्कर की धरती से मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने इसका पुनः निर्माण कराया। इसके बाद अगले इतिहास का गवाह बने ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो वो है रंगजी मंदिर, जहां मुगलों के वास्तुकला के डिजाइन की झलक देखने को मिलती है। मंदिर का अद्भुत डिजाइन, विशाल आकार और वास्तुकला हर किसी का मन मोह लेती है और मंदिर के अंदर बजती घंटियां जो दिल को सुकून देती हैं उसको लफ्जों में बयां ही नहीं किया जा सकता। वैसे भगवान के दर्शन के अलावा यहां पर आप आयोजित होने वाले ऊंट मेले का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि हर साल पुष्कर की शान और रौनक बढ़ाता है। इस ऊंट मेले को हर साल नवंबर में आयोजित किया जाता है। ये 5 दिवसीय ऊंट मेला दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक माना जाता है, जहां बड़े से बड़े ऊंट को लाया जाता है। यहां ऊंटों की खरीद फरोख्त भी की जाती है, यानी आप भी अगर ऊंट को पालने का शौक रखते हैं तो पुष्कर आपको शानदार से शानदार ऊंट दिला सकता है। इन ऊंटों के बीच प्रतियोगिता भी रखी जाती है और जीतने वाले ऊंट के मालिक को इनाम भी मिलता है। इस मेले में काफी रौनक लगी रहती है और लाखों पर्यटक इस मेले के हिस्सेदार बनते हैं। पुष्कर की सैर पर निकले और मन महल नहीं गए तो बॉस, पुष्कर शहर आपसे खफा हो सकता है। जिस तरह इस किले का नाम है उसी तरह ये लोगों के मन को बहलाने का काम करता है। मतलब किले के ऊपर लगी बड़ी बड़ी गुंबद, घुमावदार रास्ते, इतिहास को बयां करती हुई दीवारें और किले पर हुई अद्भुत कारीगरी इस किले को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। बताया जाता है कि इस मन महल को मानसिंह के रहने के लिए बनाया गया था। महल के आसपास कई ऐसे मंदिर और झील है जो इस महल को एक शानदार व्यू देती है। पुष्कर की खूबसूरती जितना लोगों को अपनी तरफ खींचती है उतने ही यहाँ के लोग भी मिलनसार है। यहाँ भले ही सभी धर्म के लोगों का बसेरा है लेकिन आपको धर्म की खाई नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ लोगों के बीच काफी भाईचारा है और इसकी एक वजह आप शिक्षा को भी मान सकते हैं। जी हाँ, पुष्कर भले एक छोटा सा शहर हो लेकिन यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे और सभ्य माने जाते हैं, इसलिए आज पुष्कर का लिटरेसी रेट 69% को पार कर चुका है। यहाँ के लोग पढ़ाई से जितना लगाव रखते हैं उतनी ही रौनक त्योहारों में भी लगाते हैं, इसलिए यहाँ ईद हो या दिवाली, होली हो या पुष्कर मेला, सब कुछ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब मेलों, त्योहारों पर खाने की खुशबू गलियों और बाजारों में ना महके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुष्कर की कुछ खास लजीज मुंह में पानी ला देने वाली डिशेज हैं, जिसमें दाल बाटी चूरमा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जेब में भले ही पैसे कम हो लेकिन स्वाद आपको भरपूर मिलेगा। इसके बाद आप मालपुआ वो भी रबड़ी के साथ खा सकते हैं। कलाकंद फलाफेल को देखकर तो पैर अपने आप इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सड़क पर खड़े होकर गोल गप्पों को खाने का जो मजा है ना, वो सिर्फ आपको पुष्कर ही दे सकता है। इसलिए बॉस, पुष्कर को किसी से कम समझने की गलती मत कीजिएगा। खाना पीना हो गया तो चलिए आपको पुष्कर शहर की खूबसूरती से भी रूबरू करवा ही देते हैं, यानी जिन जगहों पर जाना लोग कभी भी नहीं भूलते, जैसे एक है आत्मेश्वर मंदिर। ये मंदिर हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला की भव्यता और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। शांति की तलाश में अगर आप हैं तो ये मंदिर आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। पुष्कर सिर्फ हिंदू सनातनी लोगों को ही पूजा अर्चना करने का मौका नहीं देता बल्कि यहाँ मस्जिद, गुरुद्वारा सभी का इंतजाम है। और गुरुद्वारे की बात करें तो इसका नाम है सिंह सभा गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण गुरु नानक देव जी की पुष्कर यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था। सफेद संगमरमर से बना ये गुरुद्वारा पुष्कर की शान है, जिसे गुरु नानक धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सिर्फ सिंधी ही नहीं बल्कि हिंदू पर्यटक भी गुरुद्वारे का दीदार करने के लिए जाते हैं। इसके बाद आता है दिगंबर जैन मंदिर। इस मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी मंदिर में हैं, बल्कि ऐसा लगेगा कि आप किसी सोने की चमचमाती दुनिया या राजमहल में आ गए हैं। पत्थर की नक्काशी, वास्तुकला, भव्यता और अद्भुत डिजाइन इस मंदिर को देखने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही पुष्कर शहर में कई ऐतिहासिक, धार्मिक, दिल को शांति सुकून से भर देने वाले पर्यटक स्थल हैं, जिनकी खूबसूरती के सागर में हर कोई एक बार तो डुबकी लगाने का सपना देखता है। और इसके लिए पहले आपको अजमेर स्टेशन तक जाना होगा और फिर वहाँ लोकल कैब या बस वगैरह लेकर पुष्कर तक जा सकते हैं और बजट भी आपके पॉकेट के हिसाब से ही है। तो दोस्तों, आपको पुष्कर की ये शानदार सैर कैसी लगी हमें बताइएगा। वैसे क्या आप पुष्कर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर जरूर करें। वैसे आप में से कोई अगर पुष्कर या फिर
राजस्थान से है तो जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।